मैंने कहा, शोध कई बार व्याख्या के लिए होता है, किसी स्थिति की व्याख्या, किसी परिघटना की व्याख्या, और कई बार पुनर्व्याख्या के लिए भी होता है। मल्लिनाथ ने तो कहा दुर्व्याख्या विष दूषिता, दुर्व्याख्या हो जाती है उनको भी, उस विष को समाप्त करने के लिए भी होता है। शोध खोज भी होता है, नई खोज भी होता है, अन्वेषण जिसे हम कहते हैं, पूरी तरीके से नया अन्वेषण भी होता है। शोध नई दृष्टि भी होता है कई बार, शोध कई बार तथ्यों का संग्रहण भी होता है, कई बार उनकी पुनर्प्रस्तुति भी होता है, और कई बार पूर्व में किए गए जो शोध हैं उनकी आलोचना होता है। तो उसके आयाम तो व्यापक है। कई बार ऐसे भी शोध होता है कि जो हो गया है, जो कह दिया गया है, उसकी सत्यता मापने के लिए भी होता है। हमने आपने ये पढ़ा है, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कथा है, उसने कहा था, कहते हैं हिंदी की पहली कहानी है। कुछ लोगों ने इस पर शोध कर दिया कि हिंदी की पहली कहानी नहीं है, इस पर शोध कर दिया कुछ लोगों ने, वो भी सबके सामने आ गया है। वो एक और कहानी ढूंढ लाए हैं, ये पहले लिखी गई थी। तो शोध के विभिन्न आयाम है। साहित्यिक शोध में मेरे पास कल विनय जी और डॉक्टर परम प्रकाश राय आए थे, तो कल थोड़ी देर इनसे वार्तालाप हुआ था। साहित्यिक शोध में कहीं कहीं ये भी हो गया है कि विचारधारा आरोपित करना भी शोध है। जो भी हो गया उसमें अपनी विचारधारा के अनुरूप कह देना, ये भी शोध है। और जिज्ञासाएं भी शोध हैं, जिज्ञासाओं के शमन के लिए किए जाने वाले प्रयास भी शोध हैं। हमारी सारी उत्कंठाओं के मार्ग में आने वाले जितने भी काम हैं वे सब शोध हैं। हमारे प्रश्नों को संबोधित करते समय जो भी हमें समाधान दिखाई देते हों वे भी शोध हैं। तो एक प्रकार से बहुत कुछ है। मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, प्राय अपने विद्यार्थी मित्रों से बात करता हूँ। हम में से आप में से सब लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। कभी किसी ने सोचा होगा, तय किया होगा बहुत दिनों तक कोशिश करके कि गेहूं किस प्रकार से खाया जाएगा और चावल किस प्रकार से खाया जाएगा। चावल की रोटी नहीं खाते और गेहूं वैसे उबाल के नहीं खाते सामान्य रूप में। ये शोध ही है, किसी ने तय ही किया होगा। अचानक तो तय नहीं हो गया कि गेहूं कैसे खाया जाएगा, लेकिन हमें लगता नहीं है इसमें क्या शोध है, ये तो हम रूटीन में आ गए, अभ्यास में हमारे में। लेकिन सच बात यह, कुछ लोगों ने प्रश्न किया होगा, किसी ने प्रश्न किया बहुत पहले, हिरण्यगर्भ समय वर्तत अग्रे भूतस्य जात पतिरेकासी तदाधार पृथ्वी ज्ञापते मां कस्मै देवाय अभिशामि देव, किस देवता की प्रार्थना करें। ये प्रश्न है, कौन है जिसकी प्रार्थना करें वेद कर्षि, ये चिंता कर रहा है। मैं कहता हूँ हमारी एक उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। 5 विद्यार्थी हैं, वो बड़े गुरुओं के शिष्य पुत्र हैं, बड़े ऋषियों के पुत्र हैं। एक और बड़े ऋषि पिप्पलाद के पास जाते हैं, उससे हमें प्रश्न पूछना है, हमारी कुछ जिज्ञासा है। वो कहते हैं इन जिज्ञासाओं को तुम्हें दिशा देने के लिए पहले मेरे पास रहो। अंतेवासी, संस्कृत में अंतेवासी कहते हैं गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले को, अंतेवासी कहते हैं। वो अंतेवासी बनाते हैं, उन्हें एक वर्ष बाद प्रश्न करता है पहला विद्यार्थी, किमनु भगवो विद्या ते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये भी एक शोध है। भारत की परंपरा ने कहा को हम, कौन हूं मैं पाए ये प्रश्न करता हूं, मैं कौन हूं, क्या ये जो मेरा नाम है ये मैं हूं, ये तो अभिधान है, ये तो कुछ और भी हो सकता था। मैं पाए पूछता हूं, मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा यदि रख दिया गया घर में, यदि इसकी जगह गुलशेर अहमद रख दिया गया होता, तब भी मैं होता तो यही, मैं तो यही होता। यदि जॉन डेविड रख दिया गया होता, तब भी मैं ऐसा ही होता, यही होता। मैं केवल नाम से हूं क्या, ये नाम है क्या, क्या ये जो आकृति है ये हूं क्या, क्या ये जो अध्ययन है ये हूं क्या, ये पद है ये हूं क्या, तो हूं तो कुछ और। ये कोहम कहा भारतीय परंपरा ने, ये शोध किया। तो बहुत वर्षों के परिश्रम के बाद ऋषियों ने कहा सोहम, वही हूं मैं, जो वो है वही मैं हूं। तत्वमसि, जो उसमें है वही मुझ में है, सब में वही भाव है, सब में वही प्राणी है। ईशावास्य उपनिषद ने कहा ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किम च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता मागृधा स्वधनम। कृष्ण ने गीता में उसे बाद में कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय दृष्टा, सभी के हृदय देश में, सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में ईश्वर है।
तो जो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो सब में है वही मुझ में है, वही ब्रह्मांड में है जो मुझ में है। यह भी एक शोध ही है, कुछ लोगों ने इस पर विचार कर लिया। अब ये जो इस सबसे जब मुक्ति मिल गई मनुष्य को, तब वो जब इन प्रश्नों में जूझता हुआ परंपरा से, वेद से, आरण्य ग्रंथों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, महाकाव्यों की ओर आया, तब उसी की रचना धर्मिता संवेदनात्मक हुई। जिन संवेदनाओं की ओर परम प्रकाश संकेत कर रहे थे, वो संवेदनाओं की ओर हुई, और संवेदनाओं की ओर हुई तो अपनी रागात्मक अभिवृत्तियों को ऐसे प्रस्तुत करना कि उनका सामान्यीकरण, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण, साधारणीकरण हो सके। और साधारणीकरण का सामान्य अर्थ यह है कि उससे आप भी उतने ही संपृक्त हों, वो भाव, वो विचार जो उसके मन में आया वो आपको ऐसा ही लगे। मां निषाद प्रतिष्ठान तो मगम शाश्वती समा यत क्रमच मिथुना देगा भवधि काम मोहित, काम से मोहित हुए, इसको वध कर देने पर निषाद को शाप दे दिया वाल्मीकि ने। वो जो भाव है उसको बहुत साल बाद कालिदास कहते हैं श्लोकत्व मापद यत यस्य श्लोक, इसका शोक भी श्लोक बन गया। ये जो विचार है इसका अर्थ है उस अनुभूति से संपृक्ति हुई बाकी की भी, और यदि बाकी शेष की भी अनुभूति से संपृक्ति वैसी हो गई तभी तो हमें कविता अच्छी लगती है, कोई नाटक अच्छा लगता है, कोई उपन्यास अच्छा लगता है। उसके अच्छा लगने का कारण मात्र यह है कि हम वहीं पहुंच जाते हैं। आप फिल्में देखते हैं, और जब आप फिल्म देखते हैं तो जो फिल्म में हो रहा है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सीरियल देखते हुए रोते, फिल्म देखते हुए रोते, हंसते हैं, क्यों? चूंकि आप उससे संपृक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वो जो जुड़ना है वो कब संभव है और कब संभव नहीं है, इसके अध्ययन में भी शोध है। तो शोध, साहित्य का शोध केवल ऐसा नहीं है कि वो जो विद्यमान है और फिर उसमें परिवर्तन तो होंगे। परम प्रकाश ने कहा, शुक्ल जी ने विभाजन किए, काल विभाजन भी किए, शुक्ल जी ने कवियों के भी विभाजन किए। आप में से कुछ मित्रों को याद होगा, कुछ को फुटकल कवियों में डाला उन्होंने अलग अलग काल में। जिन्हें शुक्ल जी ने फुटकल कवियों में डाला उन पर बाद में बड़े बड़े अध्ययन हुए। रीति काल के फुटकल कवि हैं सेनापति, बाद में लोगों ने उन पर बड़े अच्छे अध्ययन किए, पता चला ये तो ऐसे फुटकल थे भी नहीं। ये तो परिवर्तन होगा, और मुझे तो कई बार लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में आलोचना की जो परंपरा विकसित करते हैं वो केवल उनकी दृष्टि मात्र नहीं है, उनका शोध भी है। और वो शोध ही, उनका किया हुआ शोध ही बाद में आगे के जो बड़े आलोचक हैं, डॉक्टर नागेंद्र हों या रामविलास शर्मा हों या आज बाद के जो भी आलोचक हैं, उन सबको प्रभावित तो करता है। वो प्रतिकूल रूप से करता हो, अनुकूल रूप से करता हो, एक पृथक बात। तो शोध के अर्थ पर विचार करते समय यह तो स्पष्ट होना है कि वो केवल व्याख्या नहीं है, और नई खोज भी जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। वह पुनर्व्याख्या भी हो सकती है, पुनर्दृष्टि भी हो सकती है, पुनर्यात्रा भी हो सकती है। ऐसे में उसके स्वरूप में, वैचारिक अधिष्ठान में जो बैठा हुआ है, वैचारिक अवचेतन में जो बैठा हुआ है, वो भी उसके साथ जुड़ता हुआ चलेगा। और यदि वो जुड़ता हुआ चलेगा तो हमारी व्याख्याएं भी उससे प्रभावित होंगी। यदि वो व्याख्याएं प्रभावित होंगी तो उनके एकपक्षीय होने की आशंकाएं भी बनी रहेंगी, उनके पूर्वग्रहग्रस्त होने की आशंकाएं भी बनी रहेंगी। कई बार वो पूर्वग्रह ज्ञानवश होगा, कई बार वो पूर्वग्रह हमारे समझ और अध्ययन की सीमाओं के कारण होगा, कई बार वो व्यवस्थित रूप में होगा। इसी से समस्याएं उत्पन्न होंगी और हुई हैं। मुझे तो काफी साल पहले याद है, करीब करीब मुझे ऐसा लगता है 10-15 साल पहले, जनसत्ता ने एक विमर्श चलाया था कुछ दिन, आधुनिक हिंदी कविता का पांचवा पाठक कौन। और मैं प्राय इसको सुनाता हूँ आप लोगों को। एक तो लेखक वो है, पाठक वो है जिसने कविता लिखी है, आधुनिक हिंदी कविता जिसने लिखी, अपनी लिखी हुई स्वयं पढ़ेगा। तुलसी कहते हैं निज कवित्व के हिलाग ने फीका, नागले नीका, सरस होए अथवा अथवी फीका, जो अपना लिखा हुआ है प्रिय होता ही है, तो वो तो पढ़ेगा। दूसरा जो उसका पाठक है वो संपादक है, जिसने कहा
कि मैं आपकी कविता प्राप्त हुई मैं इसे प्रकाशित करूंगा। तीसरा पाठक उस समय में कंपोजिटर होते थे, वो अक्षरों को फॉन्ट को उठा उठा के जोड़ जोड़ के लिखते थे, तो तीसरा पाठक वो है जिसने उसे कंपोज किया है। चौथा पाठक वो है जिसने प्रूफ रीडिंग की है। ये पांचवा आदमी कौन है जो आधुनिक हिंदी कविता को पढ़ता है? और तो कोई पढ़ता नहीं उसे। लेकिन अब ऐसे में आप आज भी तुलसी पढ़ते हैं, कबीर का उल्लेख किया, कबीर को लोग पढ़ते हैं, सूर को पढ़ते हैं, रसखान को पढ़ते हैं, मीरा को पढ़ते हैं, गणानंद को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अब आधुनिक छायावाल को भी पढ़ते हैं, रीतिकाल को भी पढ़ते हैं, उनको याद भी रखते हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों को भक्तिकाल की पंक्तियां याद होंगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। छायावाद याद होगा, कुछ को रीतिकाल की भी कुछ पंक्तियां याद होंगी। आधुनिक में तो सबको प्रगतिवाद प्रयोगवाद में से दिनकर और निराला महादेवी ये सबको याद है। दिनकर तो सब बहुत लोगों को याद है, इस कक्ष में भी आप लोगों ने हिंदी साहित्य विभाग के कार्यक्रम किए हैं और सबके अपने प्रिय कवि होते हैं। ऐसे में जिसे आधुनिक कविता कहा जा रहा है वो कई बार उन्हें भी मुझे लगता है संदेह होता होगा, हम गद्य लिख रहे हैं या पद्य लिख रहे हैं। संस्कृत वाले कहते थे गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, लेकिन अब हिंदी आधुनिक हिंदी कविता में तो गद्य इस प्रारूप में लिखा जा रहा है, पद्य और गद्य में भेद करना संभव नहीं हो रहा है। तो छंद मुक्त कविता की बात आई थी, अकविता छंद मुक्त कविता, वो फिर बाद में छंद मुक्त होगी या मुक्त छंद होगी ये भी एक प्रश्न हो गया सबके सामने। तो शब्दों के स्वरूप वे कैसे बन गए, कैसे रूढ़ हो गए, रमेश नाग का बड़ा अच्छा उल्लेख किया उन्होंने। हम ऐसे बहुत सारे हिंदी के शब्दों को जानते हैं जिनके प्रयोग रूढ़ होते चले गए, वो कैसे उत्पन्न हुए, पाणिनि ईसा से करीब करीब 800 साल पहले हुए, और ईसा से 800 साल पहले आज का जो आप समाचार पत्रों में और चैनल्स में देख रहे हैं अफगानिस्तान, यहाँ हुए अंधार, इस क्षेत्र के रहने वाले थे, और पूरे हरियाणा आज का वर्तमान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना तक पूरे भारत के इस क्षेत्र में नगरों के नाम कैसे बने, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो बदलते बदलते किस रूप में अपभ्रंश होते होते बदलकर पहुंच गया, केवल व्याकरण नहीं करा, सिरसा नाम कहां से पड़ा, इस पर पूरा विस्तृत वर्णन करते हैं पाणिनि, शायरी शक है वो, उसको कैसे स्वरूप में परिवर्तन हुआ, ये शोध है अपने आप में। ईसा से 800 साल पहले भी व्यक्ति शोध कर रहा है। इसका अर्थ एक और है, जो हम कर रहे हैं उसे दूसरा ठीक से देख ले, उसकी समीक्षा कर ले, उस पर टिप्पणियां कर दे, ये भी आवश्यक है। कालिदास कहता है अपरितोषाद् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम्, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं साहित्य में विभिन्न प्रकार के, इसे जब तक बाकी शेष विद्वान स्वीकार न कर लें तब तक मैं उसे ठीक नहीं समझता। और वो कहता है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता, जो बहुत ढंग से भी पढ़ लिख लिए हैं उनका भी अपने बारे में आलोचना करते समय, अपना विश्लेषण करते समय थोड़े से पूर्वाग्रह ग्रस्त हो ही जाते हैं, इसलिए निष्पक्ष समीक्षा हो जाए, निष्पक्ष रूप से जान लिया जाए कि जो उन्होंने लिखा है उसके लिए मैं दूसरों के सामने रखता हूं, ये कालिदास उस समय कहते हैं। और बहुत पहले मल्लिनाथ ने कहा कि किसी भी शोध की समस्या का समाधान कैसे होगा, तो कहा नामूलम लिखते किंचित, कुछ भी ऐसी चीज लिखी नहीं जाएगी, आप रिसर्च में बताते हैं अपने विद्यार्थी को, जो भी लिखो इसका संदर्भ दे देना, तुम्हें कहां से मिला संदर्भ दे देना, नहीं तो प्लेगरिज्म और हुए आजकल। तो नामूलम लिखते किंचित, कोई ऐसी चीज लिखी नहीं जाएगी शोध में जो जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, नामूलम लिखते किंचित नान अपेक्षित उच्चते, और जो पूछा नहीं गया वो कहां नहीं जाएगा। बहुत बार आप कहते हैं रिसर्च बाउंड्रीज, रिसर्च बाउंड्रीज यही है, जो पूछा नहीं गया वो कहा नहीं जाएगा। विश्लिष्य संदर्भान, संदर्भों का विश्लेषण करके और उनका सहारा लेकर, दोनों काम साथ में, संदर्भों का विश्लेषण करके और उनका आश्रय लेकर समस्या समाधीयते, समस्या का समाधान किया जाता है, शोध की समस्या का। बहुत साल पहले मल्लिनाथ ने ये कहा, भारत की पारंपरिक वैचारिकी में से आधुनिक साहित्यिक शोध कुछ इस प्रकार से अपने
आधार भूमि के रूप में प्राप्त कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हिंदी साहित्य में भी शोध करते समय हमारी दृष्टि में वैचारिक अधिष्ठानों के पूर्वाग्रह प्रतिबद्धताएं कम हो, न्यून हो, क्षीण हो और संवेदनात्मक स्तर पर या तथ्यात्मक स्तर पर जो प्रस्तुतियां हैं उनके विश्लेषण पर शोधार्थी अधिक ध्यान दे सकें, यही मेरा इस सबको कहने का मंतव्य था। आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद।